और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कृषि मंत्री जेपी दलाल का लंपीवाला पर बयान। पूरे हरियाणा में होगा वैक्सीनेशन, जेपी दलाल ने कहा है। बड़ी खबर इस समय की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीमारी के रोकथाम के लिए सरकार के लिए अब बड़े आदेश भी जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल का लंबे वायरस पर बयान सामने आया है। कृषि मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है लंबे वायरस को लेकर के। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल का लंबे वायरस पर बयान, उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन की रोकथाम के लिए सरकार और पूरा अब लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है इस पर वायरस से बचाव के लिए, और वैक्सीनेशन मंगवाई गई है और वैक्सीन मंगवाई गई है जिससे कि ये लंपी वायरस को रोका जा सके। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस समय की, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल का लंपी वायरस पर बयान सामने आया है। पूरे हरियाणा में वैक्सीनेशन होगी। देखिए, चिंता का विषय है, ये बीमारी आई है गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में और अब हमारे हरियाणा में भी। वहाँ पर बहुत सारे गोवंश की मृत्यु हुई है। हरियाणा में ये कंट्रोल में है और हमने तुरंत कार्रवाई करके बगैर टेंडर के 3 लाख वैक्सीन तो पहले ही भिजवा दी थी, और मुख्यमंत्री जी ने इसको जितनी भी गायों की ज़रूरत है 20 लाख वैक्सीन कल परसों फिर ऑर्डर किए हैं, और अगले 4-5 दिन में पूरे हरियाणा के गोवंश का वैक्सीनेशन करवा देंगे। किसान भाई जो हमने सावधानी बरतने के लिए विभाग को निर्देश दिए हैं उनको माने, और कुछ ज़्यादा चिंता पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में इस बीमारी को हमने